बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव शनिवार देर रात को SKMCH पहुंचे। इस दौरान कई डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले। इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं थे, सिर्फ जूनियर डॉक्टर ही थे। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। डिप्टी CM ने बर्न वार्ड इमरजेंसी का भी निरीक्षण किया। बर्न वार्ड के बाहर गंदगी देखकर तेजस्वी यादव भड़क गए। स्वाइन फ्लू का यहाँ केसेस होता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्यों खुला है? यहाँ स्वाइन फ्लू का केसेस होता है कि नहीं? तो कैसे खुला है खिड़की? अभी कोविड का समय बंद कर दिया, आप लोग क्या करते हैं फिर? स्लाइडर है, कल बंद ही तो करना है। हेल्थ मैनेजर का क्या काम है? सारा कचरा है नीचे। सरकार जिस काम के लिए पैसा देती है वह नहीं होगी तो कार्रवाई होगी ही। हमारी सरकार सुनवाई वो कार्रवाई वाली सरकार है। अस्पतालों में पैसा गरीबों के इलाज के लिए दिया जाता है, अगर वो काम ही नहीं तो कार्रवाई तो होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि मिशन 60 डेज में कुछ काम हुए हैं तो कुछ नहीं। मेडिकल कॉलेज में सही से व्यवस्था होनी चाहिए। अधीक्षक नए आए हैं, हमने उन्हें कमियों को गिनाया है। लोगों को दवा और बेड मिलना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, मशीन काम करने चाहिए, मरीजों के लिए डॉक्टर होना चाहिए। तकरीबन सारे भाड़ा हो रहा है और सीतामढ़ी गए हुए थे, बीच में देख ले, लौटते हुए बगल में पड़ता है तो सोचा के देखे कि क्या कमी है। बहुत कमियाँ नज़र आई हैं और जो भी कमी नज़र आई है उस पर कार्रवाई की जाएगी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और हम लोग तो चाहते हैं डॉक्टर को जो है उपलब्धता हो, लेकिन कई जगह डॉक्टर नदारद मिले हैं, लेकिन दवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, मशीन काम करना चाहिए, मशीन चलाने वाला आदमी होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, दवा लोगों को मिलना चाहिए। उत्तर बिहार का सब ये सारा काम हम लोग जो है कर रहे हैं। हम तो कब से घूम रहे हैं, सुपरिटेंडेंट साहब तो अभी आए और इनका तो फिलहाल में ही अभी ट्रांसफ़र हुआ है, तो इनको हम बता दिए हैं हर एक चीज़ जो कमी पाई गई है। एक हफ्ते का हम टारगेट इनको देते हैं कि काम कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं सुधारें, नहीं तो फिर हम लोग जो है सुनवाई या कार्रवाई वाली सरकार है, गरीब के हित में हम लोग काम करें। इस दौरान अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की इतनी कमी है कि सही से अस्पताल चलाना मुश्किल है। लापरवाही भी सामने आई, कई लापरवाही। अरे तो गार्जियन है तो गार्जियन को गुस्सा होने का अधिकार है, उसमें कोई बात नहीं है। गार्जियन आए हैं और देखे हैं तो गुस्सा होना स्वाभाविक बात है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। कमियां भी सामने आई। कमियां तो देखिए, जो बड़ी बड़ी संस्था होती है उसमें कुछ कमी कुछ खराबी होती ही है, उसको ठीक किया जाना है और ये निरंतरता है। प्रोसेस का समय भी दिए हैं। हाँ हाँ समय दिए हैं सर। पूछताछ केंद्र पर भी कोई कमी नहीं थे, कई एक डॉक्टर भी गायब मिले हैं। डॉक्टर की बहुत कमी है, ये हम उनको सर को भी कहे हैं और चिट्ठी भी हम लिख चुके हैं पहले से। घनघोर कमी है डॉक्टर की, हम लोग जो है सो किसी तरह से काम चला रहे हैं, तो आदमी हमको मिलेगा तब तो हम चलाएंगे ना। आदमी डॉक्टर जरूरी है, हम चाहते हैं कि हर जगह डॉक्टर रहे, इवन जो है सो वार्ड में भी डॉक्टर मिल जाए, लेकिन उतना आदमी मिलना मुश्किल है ना। जितना आदमी है उसी से हमको काम चलाना है। 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी है, डिफरेंट विभाग के डॉक्टर हैं, तो हर विभाग के डॉक्टर भी चाहिए उसमें, जो ऑर्थोपेडिक्स के हैं चाहे सर्जरी के हैं या मेडिसिन के हैं, सबको मिला के एक टीम बनाना पड़ता है जो कि इमरजेंसी चला। व्यवस्था में सुधार किया जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुधार है और सुधार करने की पूरी प्रक्रिया जारी है, कभी रुकी नहीं है, प्रक्रिया उत्तरोत्तर अच्छी होती जाएगी। सीतामढ़ी से लौटने के दौरान शनिवार रात 11:45 पर उप मुख्यमंत्री पहले इमरजेंसी वार्ड में गए। वहाँ की व्यवस्था देखने और परखने के बाद मेडिसिन और अन्य वार्ड में भी गए। इस दौरान मरीजों को अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर वो अन्य कर्मियों के बारे में भी जानकारी ली। MKMCH के अधीक्षक डॉक्टर दीपक कुमार भी मौजूद रहे। इस औचक निरीक्षण के दौरान राजस्व मंत्री आलोक मेहता, मीनापुर विधायक मुन्ना यादव और बुचहा विधायक अमर पासवान वो अन्य भी उनके साथ मौजूद रहे। इधर उप मुख्यमंत्री के पहुंचने पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों से लेकर अन्य कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं।
आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।